बेडशीट रहेगा और इसमें एक पिलो रहेगा। तो गाइस आज मैं ट्रैवल करने वाला 12505 जो चलती है कामाख्या से आनंद विहार टर्मिनल दिल्ली। आपको सबसे पहले रीडिंग लाइट एक मिलती है, जो ये आपको एक फोल्डेबल टेबल मिल जाता है, जो टेबल अभी साइड टूट चुका है। इसमें से बेसिन के वहाँ पे आपको एक मिरर मिल जाता है, ये वाला टेबल पुराना वाला टेबल इंडियन वाला जो काफी स्मेल कर रहा है अभी। दिस इज नॉट स्मेलिंग एक्चुअली। बज रहे हैं दोपहर के 12:36। हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो, मैं हूं आपका दोस्त उमेश। तो गाइस आज मैं ट्रैवल करने वाला 12505 यानी कि नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस जो चलती है कामाख्या से आनंद विहार टर्मिनल दिल्ली, और इसके एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो मैं फिलहाल आज टिकट बुक करवाया हूं 3 tier economy का। तो 3 tier economy अंदर से कैसा होता है, क्या फैसिलिटीज होते हैं, कैसे होते हैं, ये सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। और आप लोगों को बता दूं सबसे पहले कि ये ट्रेन जो है कामाख्या स्टेशन से गुवाहाटी में मतलब आसाम में शुरू होती है 12:40 दोपहर में, और दिल्ली पहुंचाती है आपको D+1 पे 9:50 पे। यानी कि टोटल लगता है टाइम इसका ट्रैवल टाइम होगा आपका 33 hours and 10 minutes में आपको दिल्ली पहुंचाएगी अगर राइट टाइम पे ये चलती है तो। और फिलहाल मैं खड़ा हूँ मेरा M1 को। AC 3 tier होता है, उसका सीरीज शुरू होता है B से। AC आपका अगर 2 tier होता है तो आई थिंक A से ऐसे कुछ होता है, ऐसा ही रहता है। लेकिन M सीरीज से जो स्टार्ट होते हैं वो है 3 tier economy AC। ये हमारी कोच है M सीरीज का, देखेंगे तो M5 इसमें मेरा सीट है, इसमें मेरे टोटल दो सीटें हैं, मेरी टोटल तीन सीटें हैं। मैं फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, तो M सीरीज का देखेंगे तो ये M सीरीज वाला है। एंड देन अंदर चल के आपको इसका फैसिलिटीज दिखाते हैं कैसा रहता है। सो लेट्स एंटर इट एंड शो यू अक्रॉस। तो ये इसका कोच है एंड यहाँ पे बेडिंग्स वगैरह रखे रहेंगे। एंड लेट्स गो एंड शो यू द इंटीरियर्स। सो दिस इज आर सीट, ये है 71 और ये 70। दादी जा रही है मेरे साथ, मम्मी भी जा रही है, और दो बच्चे लोग पिंटे लोग, डॉक्टर दीदी और अनु। तो ये बेसिकली हमारा साइड लोअर दो है एंड हम लोग का टोटल तीन सीट है, तीन में से दो यहाँ पे और एक है अलग है M2 में जिसमें मैं जाऊँगा रात को। एंड दिस इज द कम्प्लेक्शन ऑफ 3 tier AC, 1, 2, 3 रहता है ऐसे करके, और इधर में दो। तो नॉर्मल जो AC 3 AC रहता है उसके जैसे, बट द ओनली डिफरेंस इज कि थोड़ा सा स्पेस इसमें कम रहता है, तो दैट्स व्हाट इट इज। बट ये नए क्योंकि डिजाइन के कोचेस है तो फैसिलिटीज एंड लाइटिंग्स आर वेरी नाइस इसमें। बज रहे हैं दोपहर के 12:36 12:36 और सिर्फ 4 minutes है ये ट्रेन के चालू होने में, और मैं आ गया हूँ M2 पे जिसपे मेरे यहाँ पे अकेला वाला सिंगल सीट है। अब इसमें जा रहा हूँ मैं M2 में, आपको क्या क्या फैसिलिटीज होते हैं वो अच्छे से दिखाने, क्योंकि वहाँ पे दादी मम्मी सब बैठे हुए हैं ना, कजिन लोग, को उनको उठा के दिखाने में अच्छा नहीं लग रहा। सो लेट्स गो एंड शो यू, क्योंकि यहाँ पे मेरी सीट खाली है तो यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखा पाऊंगा क्या है। तो दिस इज द एंट्री, यहाँ पे आपको स्लाइडिंग डोर एक मिलता है, स्लाइडिंग डोर में अंदर जाओगे तो दिस इज हाउ इट गोस। चलोगे मेरे साथ? चलो कम ऑन, लेट्स गो, चलो चलो जाओगे, चलो 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 इधर आ जाओ, उधर तो जाओगे तो लेके जाऊंगा, इधर आओगे तो बच जाओगे, इधर जाओ, इधर है ना तुम्हारा सीट बच्चे, इधर जाओ, वापस जाओ। तो ये है मेरा दूसरा वाला सीट, सीट नंबर 49। एंड यहाँ पे आपको सबसे पहले रीडिंग लाइट एक मिलती है जो ये से जलती है, ये जब ऊपर उठ जाता है ना वाला बर्थ, तो उसके बाद रीडिंग लाइट सीधे आपके टेबल पे आती है एंड वहाँ पे भी एक रीडिंग लाइट है। इसके बाद में यहाँ पे आपको एक फोल्डेबल टेबल मिल जाता है, जो टेबल अभी साइड टूट चुका है। इसमें से यहाँ पे ये विंडो के शील्ड मिल जाती है जो आप खोल के नीचे ऊपर कर सकते हो एज पर योर कन्वीनियंट। एक मिरर भी मिलता है छोटा सा। यहाँ पे 3 bedding वैसे जैसे नॉर्मल ACs में रहते हैं, 1, 2, 3, और साइड वाला में भी सेम 1, 2, और वहाँ पे भी एक रीडिंग लाइट लगा रहता है जिसपे आप ऑन करके रात को पढ़ाई कर सकते हो। तो पहले वाले पुराने ACs वगैरह जो रहते थे 3 tier, उसमें रीडिंग लाइट वगैरह नहीं आती थी। एंड यहाँ पे एक बॉटल होल्डर भी आपको मिलता है, तो यहाँ पे बॉटल वगैरह भी डाल सकते हो। यहाँ पे भी एक रीडिंग लाइट है, ऊपर भी एक रीडिंग लाइट रहेगा, तो तीनों पे 3 rating light। तो पहले नहीं आती थी, बट ये नए डिजाइन के जितने भी कोचेस है उसमें रीडिंग लाइट्स वगैरह भी आ रही है, तो इट्स नाइस। इंडियन रेलवेज वेलकम्स यू। ट्रेन एकदम निर्धारित समय पे शुरू हो चुकी है। भैया किसी को छोड़ने आए तो उतर के अब ये भी भाग रहे हैं। एंड दिस इज कामाख्या रेलवे स्टेशन। यहाँ पे फोन बहुत सेफली रखना पड़ेगा, कोई नीच खींच के भाग जाएगा। तो दिस इज द कामाख्या रेलवे जंक्शन जहाँ से ट्रेन हमारी शुरू हो रही है। और वॉशरूम बेसिन वगैरह की बात करें तो यहाँ पे बेसिन के वहाँ पे आपको एक मिरर मिल जाता है। एंड यहाँ पे बेसिन और इसमें ये वाला टेप, पुराना वाला टेप है, ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि वो टो वाला टेपिंग होता है तो वो अच्छा रहता है। एंड देन वॉशरूम चले तो सफाई मित्र, ये है शायद इंडियन वाला जो काफ़ी स्मेल कर रहा है अभी स्टार्टिंग में ट्रेन का। यहाँ पे एक बेसिन है और यहाँ पे शायद फोम वाला डिस्पेंसर है, इसमें फोम नहीं आ रहा है, वेरी डिसअपॉइंटिंग। यहाँ पे भी एक मिरर है एंड यहाँ पे कुछ रैक्स वगैरह साबुन वगैरह रखने के लिए, नाइस। एंड ये शायद इसमें जेट स्प्रे नहीं है, पुराना वाला ही है, मग्गा वाला सिस्टम ही है, फ्लश है। ओके, दिस इज कूल। एंड देन इसको बंद करते हैं तो इधर आई थिंक वेस्टर्न वाला रहेगा, ये वेस्टर्न कमोड, इसमें चलते हैं।
दिस इज नॉट स्मेलिंग एक्चुअली, एंड देन इसमें भी यही है, ऐसे करके एक रैक है, उसके बाद वॉश बेसिन है एक जिसमें वही वाले टेप है पुराने वाले, हाथ धुल लेते हैं। यहाँ पे वेस्टर्न कमोड है जो थोड़ा गंदा है बट स्मेल नहीं है, दैट इज द पॉजिटिव पॉइंट। एंड देन यहाँ पे जेट स्प्रे है, फॉर्म डिस्पेंसर से होता है क्या डिस्पेंस, हाँ हो गई, यहाँ से डिस्पेंस हो रही है हैंड वॉश, दैट इज नाइस। ओके कूल, तो ये है इसका वॉशरूम का इन बेसिक फैसिलिटी। अब चलते हैं अपने वाले कुछ में, को आपको पुश एंड पुल करना है। ओके कूल, लेट्स गो। और यहाँ पे जो है इनका एसी डक्ट है, यहाँ से एसी कंट्रोल वगैरह करते हैं। तुम्हारा सीट कहाँ है, तुम्हारा सीट कहाँ है बताओ। ये मम्मी का है ये वाला सीट, ठीक है ये मम्मी का है, ये नीचे वाला इया का है, तो तुम्हारा कहाँ है। ये तुमको सुताएगा, ये तो नहीं सुताऊंगा, ये सुताऊंगा उसको, ये तो तुमको नहीं सुताऊंगा, कहाँ जाऊंगा फिर, तुम तो खाता हो, तुमको नीचे सुतना पड़ेगा, नीचे बिछौना के नीचे, सीट का नीचे। तुम यहाँ सामने देखिए अमीन गांव स्टेडियम है, अमीन गांव क्रिकेट स्टेडियम, यहाँ पे क्रिकेट खेलने बच्चों का कुछ मैच हो रहा है, चलो अच्छे से खेलो, इंडिया खेलना भाई। पहला बार ऐसे ट्रेन में बैठ के जा रहा है बिहार, कैसा लग रहा है, पहले से कभी गया हूँ नहीं गया। अच्छा ये बताओ एसी में अच्छा होता है कि स्लीपर में, एसी में अच्छा लगता है कि स्लीपर में, एसी में। ओहो पैसा दो फिर, पैसा दो फिर, अरे ये क्या बात हुआ भाई, तुम लोग अपना पापा मम्मी को मिस नहीं करेगा, मिस कर लिया ऑलरेडी, और तो इनको लंच वंच करवा, दोनों बैटरी के लिए बैग लगा दिया, तो दो मतलब बैटिंग लगा दिया, तो दोनों बैटरी फ्यूज। चुपचाप सो जाओ ठीक है, नींद से आँख वाँख बंद करके मस्त सो जाओ, बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। हाँ तो अभी तो दिन ही है, मैं गुड नाइट बोल रहा हूँ, मैं अभी यार पागल हूँ मैं अभी। तो अभी दिन को क्या बोलते हैं, दिन को सोने जाने से, मतलब कुछ भी नहीं, ये कैसा बात हुआ भाई। तो ये मेरी दूसरी वाली सीट है, मेरे को बेडिंग मिली नहीं थी, तो मैं भैया को भी बोल के आऊँ, वो अभी मेरे को बेडिंग लेके आएगा, पिलो यहाँ पे रखे हुए हैं, बेडिंग ला के देगा मुझे, बेडशीट वगैरह सब, बेडशीट शुक्रिया। तो भाई ने मेरे को ये बेडशीट ला के दी, इसमें दो बेडशीट रहेगा और इसमें एक पिलो रहेगा, एंड ये ब्लैंकेट तो उसने पहले दे दिया। बैठो बैठो, वो बच्चा फिर से वापस से चिल्ला रहा है, उसको ऊपर नीचे कर रहे हैं, ज्यादा इरिटेट हो गया ना, मतलब ठीक है बच्चे को थोड़े टाइम के रख दिए, वो परेशान कर रहे थे, ऊपर रख दिए, बार बार कर रहे हैं वो, बार बार अपन लोगों को परेशान कर रहे हैं, इतना अजीब अजीब पेरेंट्स यार, अजीब पेरेंटिंग। जाओ ब्रश करो, जाओ ब्रश करो, कौन बोला अभी शाम है, कौन बोला है तुमको अभी शाम है। तो इनको मैं अपने वाले कोच में लेके जा रहा हूँ, चलो अच्छा वो खोलना है, रुको कम आ जाओ चलो उधर पुश पुल करो, हाँ चलो कम ऑन पुश, लेट्स गो चलो इधर आगे आगे थोड़ा और आगे थोड़ा और आगे। अपन लोग पहुंचे गाइस एनजेपी मतलब न्यू जलपाईगुड़ी, अभी बज रहे कुछ 8:15, ऑन टाइम चल रहा है, अभी खुलने वाली है ट्रेन, सामने देखो वंदे भारत रुकी हुई है, ट्रेन की सीटी बज गई, विसल बज गई, मैंने चलने वाली है, और सामने वंदे भारत एक्सप्रेस बैठ रुकी हुई है, इसमें कभी ट्रैवल करा नहीं मैंने, बहुत जल्द इसमें ट्रैवल करने की कोशिश करूंगा। अब अभी फिलहाल मेरे ट्रेन चल पड़ी है, अगर नहीं चला तो मुझे वंदे भारत लेके वापस घर जाना पड़ेगा, तो लेट्स गेट इनटू इट गाइस। रात के 10 बजने वाले ऑलमोस्ट 9:41, और पूरा ट्रेन ऑलमोस्ट मुर्दा घर बनने जा रहा है, थोड़ी देर में सब लोग सफेद सफेद चादर पर ओढ़ के सो जाएंगे, मुर्दा घर बन जाएगा पूरा ट्रेन। ये देखो सबके पास सफेद सफेद चादरें मिल गई हैं, मैंने ब्लैंकेट ऊपर ले लिया ताकि मैं मुर्दा ना लूँ, लोग मैं जिंदा हूँ। हम भी जा रहे हैं सोने, मिलते हैं कल सुबह आप लोगों से, मेरा राइट टाइम है 7 बजे का सुबह आरा पे, तो देखते हैं कितना बजे। गए सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं अभी पहुँचा हूँ दानापुर, उसके नेक्स्ट स्टेशन पे हम लोग उतरने वाले हैं ऑलमोस्ट 6:50 में, एंड सो आगे बहुत सुंदर से सनराइज़ हो रखी है, ये देखो काफ़ी खूबसूरत सी सनराइज़ हो रखी है, और भाई रात को आज फिर पिलाए हैं, आज फिर नहीं सो पाए हम बहुत दिनों बाद ट्रेन में, ऐसी हालत हुई है भाई, मतलब गजब गजब भाई, बताते हैं कहानी पूरा आपको कि क्या हुआ ऐसी, मतलब जो बच्चा मैं आपको शाम को दिखाया था ना
वो भाई फिर सुबह रात सुबह के 3:30 बजे से उठ के हेल्प चिल्ला रहा है, अंग्रेजी से बोल रहा है और अंग्रेजी भी इतनी हेल्प और उससे ज्यादा नहीं भाई, मतलब गजब गजब हाल है इकॉनमी में, मतलब इकॉनमी वाला ही हाल हो रहा था ऐसा हुआ। तुम्हारा ट्रेन तुमको छोड़ के जा रहा है, जाओ जाओ पकड़ो उसको, ए जाओ उसको पकड़ो, जाओ। तो सुबह के 7:20 और मैं पहुंच गया हूं आरा जंक्शन। अब यहां से एक पैसेंजर ट्रेन ली जाएगी जो मुझे ले जाएगी भिया और उसका टिकट लेने जा रहा हूं फिलहाल। और बता दूं आपको कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत बेहुदा रहा, सीरियसली बहुत ज़्यादा बेहुदा रहा इसमें इस ट्रेन में आने का। एक तो टॉयलेट की साफ़ सफाई, एक तो लोगों का फिर उसमें बिहेवियर, लोगों का मतलब रहना सहना भाई बहुत ज़्यादा अजीब। एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग करेंगे कहीं बैठ के अच्छे से, पहले हमको टिकट ले लें दीजिए भाग भाग के जाके, है ना। तो मैं आराम में उतरा था सुबह के 7:30 के आसपास, उसके बाद मैं घर पहुंचा मतलब अपने रिलेटिव के घर और मस्त पेल के सो गया। और अभी शाम हो रहा है, शाम के ऑलमोस्ट 6 बज रहे हैं, सनसेट हो गया ऑलमोस्ट। तो मैं सोचा ऐसे खेत में आया था, गेहूं का खेत है पूरा पका हुआ है, तो सोचा यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट रिव्यू बता दूं मेरा कैसा रहा एक्सपीरियंस वो ट्रेन का। तो जो मेरा ट्रेन का एक्सपीरियंस था, जो कोच का एक्सपीरियंस था ओवरऑल, उसमें से मैं दूंगा 4 out of 5। अच्छा था क्योंकि मेरे को बेडिंग वगैरह भी अच्छे टाइम पे मिल गया, साफ सुथरा भी था कोच, उस वजह से 4 out of 5 दूंगा। वॉशरूम का एक्सपीरियंस जो था बहुत घटिया था, उसको दूंगा 2.5 out of 5 क्योंकि वॉशरूम काफ़ी ज़्यादा स्मेल कर रहा था और इतना साफ भी नहीं था और उसके बाद उसमें हैंड वॉश भी नहीं था। एंड अगर मैं को पैसेंजर्स की बात करूँ, उसको वापस से को पैसेंजर्स रेलवेज के हाथ में नहीं होता है, तो यस वॉशरूम वगैरह वो लोग ठीक करवा सकते तो उसका रिव्यू बेटर हो सकता है। और को पैसेंजर्स का जो रिव्यू होगा वो बहुत घटिया, जो रेलवे के हाथ में नहीं होता है, तो जो लोग ट्रैवल करते हैं उनको खुद से थोड़ा समझना चाहिए। देखिए बच्चे अगर आपके पास हैं और वो खुद से मतलब इन्हों बीमार है या फिर मतलब छोटे बच्चे हैं जो समझ नहीं रहे वो रो रहे हैं, दैट इज़ अनदर थिंग। लेकिन पेरेंट्स जानबूझ के रुला रहे हैं जिससे को पैसेंजर्स डिस्टर्ब हो रहे हैं वो सही बात नहीं। तो अगर आपके पास बच्चे हैं और आप जानबूझ के अगर रुला रहे हो और को पैसेंजर्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आई थिंक आपके आपको और आपके बच्चों को थोड़ा आपको मैनर्स सिखाने की ज़रूरत है और फिर खुद सीखने की ज़रूरत है। तो ऐसे करके आप को पैसेंजर्स को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, वैसे को पैसेंजर्स भगवान करे ना मिले आप लोगों को। तो अगर आप लोग बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हो या फिर मैं भी कभी भी बच्चों के साथ ट्रैवल करता हूँ तो इंश्योर करता हूँ कि मेरे बच्चे शोर नहीं कर रहे हैं, मेरे बच्चे मतलब मेरे कजिन्स वगैरह जो भी था कभी शोर नहीं करें उन लोग, तो मैं भी इंश्योर करता हूँ कि नहीं करें, को पैसेंजर डिस्टर्ब नहीं हो, दैट इज़ अ बेसिक, अगर वो बोले तो एक बेसिक ह्यूमन बिहेवियर होता है जो सभी को पता होना चाहिए। बट एनीवेज यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि सब लोग आपकी तरह सोचें। तो हाँ, इसके लिए मैं 2.5 दूंगा को पैसेंजर्स का रेटिंग आउट ऑफ 5। ओवरऑल अगर मेरे ट्रैवल का एक्सपीरियंस मैं बताऊँ तो क्योंकि को पैसेंजर से मैं डिस्टर्ब वगैरह हुआ तो उसका 3.8 समथिंग दूंगा आउट ऑफ 5। तो ये मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था 3-tier इकोनॉमी का फ्रॉम गुवाहाटी टू आरा इन बिहार। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गाइस मैं आपको बता दूँ मेरा चैनल बहुत ही यूनिक है, आपको यहाँ पे क्रिकेट, ट्रैवल और जॉब रिलेटेड वीडियो ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो मेक श्योर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। और मैं हूँ गुवाहाटी आसाम से, मैं अखमिया को जो अपनी अखमा पर साइस है, मैं अखमिया दुनिया के कब पढ़ूँ। सो आपको अकमान सपोर्ट लगे, मैं हिंदीत बनाएं वीडियो तो कारण বাহিৰৰ মানুহে অসমীয়াটো বুজি নাপায় আৰু মই আমাৰ অসমখনক বাহিৰলৈ দাঙি দি ধৰিব বিচাৰিছোঁ, এইটো মোৰ গ'ল। সেইকাৰণে অকণমান ছাপোৰ্ট কৰিব আপোনালোকে, আৰু বাকী আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। অকণমান প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, মিলেংগে আপোনালোকে আগলে ভিডিঅ' মই তাত আপোনাক খিয়াল ৰাখো। বাই বাই, টেক কেয়াৰ, নমস্কাৰ, সবকে নিয়েছ, জয় অসম, বাই। I met you in August, New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you.